देखो एक पहला बहुत दुख है, बड़ा अफसोस है, ना सिर्फ बलकौर सिंह ते माता चरण कौर नूं रंझ आ, ये पंजाब दे समूह 3 करोड़ लोगों का अपमान होया पिछले एक साल विच। एक साल थोड़ा समा नहीं हुंदा, अज भी उन्हां दे मां प्यो करला रहे ने, जो डिटेल्स बेइंसाफी दियां वो जानदे ने, वो शायद तुसी मैं नहीं जानदे। और जिस ढंग दे नाल विधानसभा दे विच गल उठाई गई कि तुसी जिन्हां लोगों ने उहदियां सिक्योरिटी डिटेल्स शेयर कीतियां सोशल मीडिया ते, 11 महीनों बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं, किसी पुलिस वाले ने सद्या भी नहीं गा, चाहे वह बलतेज पन्नू है, उल्टा उन्होंने इनाम दे के मीडिया एडवाइजर बनाया भगवंत सिंह मान ने, चाहे वह कोई आयुषी लड़की है, चाहे भगवंत सिंह मान आप जिन्हें ऑफिशियल पेज के उत्ते सिक्योरिटी डिटेल्स जिहड़े जिहड़े आगुआं की समेत सिद्धू मूसेवाले शेयर की, वह बहुत वड्डी अवज्ञा से। और मैं दुख इस तो भी गांह होया जो विधानसभा के अमन अरोड़े ने इनू जस्टिफाई किया वा कि असी तो 2 गनमैन दिते हुए थे, 2 गनमैन नहीं लैके गया। भगवंत सिंह मान 1000 गनमैन लैके जाए, उसकी माता, उसकी भैन, उसकी घरवाली, 200-250 गनमैन चक्की फिर आना, जिहड़े अखौती कहिंदे सी आ बोकर वाले कहिंदे सी आम आदमी आ, ये दर्जना सैकड़े कमांडो इन्हां दे मिनिस्टर्स MLA चक्की फिरन, तो सिद्धू मूसेवाले कहिंदे तैनूं 2 गनमैन तां दित्ते हुए सी, इहनूं कहिंदे ने किसी के जखम के उत्ते लूण छिड़कना। और दूसरा तुसीं मैनूं दसो कि तुसीं RTI पा के देखो, कभी तुहानूं सिक्योरिटी की डिटेल दिंदी कोई सरकार? मैं बहुत बारी पा के देखी आ कि पूरा वेरवा दिओ सानूं सिक्योरिटी डिटेल्स मंत्रियों की, भगवंत मान की, पुरानियां सरकारां चों कहिंदे जी वी कैनॉट शेयर सिक्योरिटी डिटेल्स बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन, बिकॉज ऑफ सेफ्टी। जिहड़ी चीज़ तुहानूं RTI च नहीं मिल सकती तुसीं चक के फेसबुक ते ट्विटर ते पा रहे हो। सो सब तो पहली वड्डी गल आ कि तुरंत अज तुसीं देख लिया है पंजाब दे लोकां दे जज्बात, जिन्हां लोकां ने सिक्योरिटी डिटेल्स शेयर कीतियां अपने पेजां ते उह सारिआं दे खिलाफ कार्रवाई ते परचे विच नाम होना चाहिए। दूसरा लॉरेंस बिश्नोई, पंजाब जिहड़ा जिहड़ा भगवंत सिंह मान कहिंदा कि मैनूं कल्ली कल्ली गल दा पंजाब दे विच पता, वह शरेआम जेलां चों बैठा इंटरव्यू दे रहा वा। ठीक है, DGP साहब कहिंदे उह साडी बठिंडे दी जेल नहीं, साडी जेल नहीं, फिर दसणा कित्थे आ, कस्टडी किहदी च आ? वह अमेरिकन पुलिस की कस्टडी तो है नहीं गा, कनेडियन पुलिस की कस्टडी च नहीं गा, वह कस्टडी पंजाब की पुलिस में आ, वह की CIA दे विच जदों उत्थों रखा गया कि उत्थों की इंटरव्यू रिकॉर्डेड है? जे जेल में आ तो कि जेल में आ? अगर राजस्थान की जेल में तो फिर पंजाब पुलिस को पता होना चाहिए वा। लेकिन जिस ढंग के नाल उस इंटरव्यू नूं छाया किया गया, जिस ढंग के नाल अज की बरसी के मौके पर बिल्कुल ऐन मौके पर पहला कल अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी, मैनू शक है कि वह गिरफ्तार नहीं, वो इन्हां दे कोल इलीगल कस्टडी च ऑलरेडी हैगा वा। आई एम अफ्रेड दैट ही मे बी ऑलसो किल्ड इन अ फेक इनकाउंटर, दे कैन गो टू एन एक्सटेंट। और ये जिहड़ा कल उहदी सारी एपीसोड, सारा इंटरनेट बंद, असी आजाद भारत च रहिंदे आ कि किसी गुलाम देश में रहिंदे आ? पीपल डू नॉट हैव, दे आर नॉट अलाउड टू ईवन यू नो एक्सेस टू वॉट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। 24 घंटे अज साडा इंटरनेट बंद हैगा तां कि भोग ते जनता ना इकट्ठी हो जाए। तो लोगों ने तुसी देख लिया कि जो तुसी किसे गल नूं पंजाब नूं दबाउने आ वह उड्डी ही तेजी दे नाल उभरदा। सो मैं उम्मीद करदा वा कि जिहड़ी सरकार है वह ढुकमें कदम चुकेगी, सिद्धू मूसेवाले दे कातलां जिहड़े भी हन, जिहड़े उन्हां दे माँ प्यो, जिहड़े उहदे पेरेंट्स अच्छी तरह जाणदे किहना किहना दे नाल दुश्मनियां सीगियां, जिन्हां ने उहनां दी सिक्योरिटी डिटेल शेयर कीतियां। और जेल विच आदमी गैंगस्टर शरेआम कह रहा मैं सलमान खान नूं ठोकना वा मारना वा, अज तक कोई कार्रवाई नहीं, 1 हफ्ता हो गया, 2 इंटरव्यूज छाया हो गया, नो एक्शन एट ऑल। व्हाट डज दिस टेल? दिस टेल्स के पंजाब के लोगों वास्ते दोहरे कानून ने, सिखा लई अलहदा कानून है, और जिहड़े ये हिंदुत्वा पॉलिटिक्स का प्रचार करते हैं, जिहड़े हिंदू राष्ट्र बनाने की गल करते हैं, उन्होंने कानून हो रहेगा, उन्होंने एक्सेस है, इंटरव्यू आ, जिहड़े जर्नलिस्ट उन्होंने करके कोई पुछण वाले नहीं। इस अज पंजाब के वातावरण है, और मैं इस गल की निखेधी करदा वा। और वह गल ठीक कही बलकौर सिंह ने कि जजेस नू, चीफ जस्टिस नू, मेरी अपील है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट नू कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लवो ते उस गैंगस्टर दे उत्ते बनदी जिहड़ी कार्रवाई। लॉरेंस बिश्नोई नू इक भटकिया होया राष्ट्रपति साबित करने की कोशिश की जा रही है, उस तो बाद ट्विटर दे उत्ते भी एक ट्रेंड चलिया कि लॉरेंस बिश्नोई
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਗੁੱਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਬੈਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਉਤਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਰਕੇ ਟੈਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁਆਪਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਆ ਗਿਆ ਇੰਜੋਇੰਗ VIP ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਈਲ ਇਨ ਜੇਲ। ਮੋਡ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਟੈਰਰ ਐਕਟ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੈ ਉਹ ਟੈਰਰ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਾਏ ਦ ਵੇ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਕੈਨੋਟ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਇੰਪੋਜ਼ ਯੁਆਪਾ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਔਨ ਅ ਪਰਸਨ ਮੇਅਰਲੀ ਫੋਰ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ, ਮੇਅਰਲੀ ਫੋਰ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਯੁਆਪਾ ਤੇ NSA ਤੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡਾਊਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਖੜੇ ਨੇ, 5 ਸਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ RDX ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਉਹ 3 ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ FIR, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ। RDX ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਬਣੀ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿ ਅੱਛਾ ਅੱਤਵਾਦ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਠੋਕਾਂਗੇ, ਤੇ ਯੁਆਪਾ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।